अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर बायोलॉजी में आज हम लोग स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सिस्टम क्या है और इसका काम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दरअसल एक ऐसे सिस्टम का नाम है जिसका काम एग पैदा करना होता है। एग यानी कि ओवम भी इसको कहते हैं। आपको पता है एग एंड स्पर्म जब मिलते हैं तो न्यू जानदार बनता है और फीमेल की बॉडी के अंदर ही नया जानदार की डेवलपमेंट भी होती है। अगर बात की जाए इंसानी फीमेल की तो ह्यूमन फीमेल में आफ्टर 28 डेज, ये एक टाइम है, ये एक पीरियड है, इस पीरियड के बाद एक एग पैदा किया जाता है। अगर फीमेल मैरिड हो तो उस एग की फर्टिलाइजेशन हो जाए, उसके बाद वो एग जाइगोट में तब्दील हो जाता है और जाइगोट फीमेल की बॉडी के अंदर ही यानी कि यूट्रस के अंदर ही कंसीव हो जाता है और फिर जाइगोट की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और एक नया जानदार बनता है। लेकिन अगर फीमेल अनमैरिड है तो वो जो एग बना हुआ है वो लॉस्ट हो जाता है, वो ज़ाया हो जाता है। और दूसरी तरफ यूट्रस की दीवार जो ग्रो करी होती है, यूट्रस की वॉल जो काफ़ी डिवेलप हो चुकी होती है, वो भी ब्रेक डाउन हो जाती है। सो ब्लीडिंग हो जाती है और ब्लीडिंग के ज़रिए से वो सारी जो चीज़ें अंदर बनी होती है वो लॉस्ट हो जाती है। ये एक फ़ीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल है। आज के लेक्चर में हम फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ओवरी का स्ट्रक्चर और यूट्रस का स्ट्रक्चर। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फीमेल के अंदर पीरियोडिकली ये एग कैसे पैदा किया जाता है। एग पैदा करने का अमल ओजेंसिस कहलाता है और फीमेल के अंदर ये जो साइकिल है इसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो अपना लेक्चर शुरू करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि वो सिस्टम जो नस्ल बढ़ाने में हेल्प करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले ये आप उसकी डायग्राम देख रहे हो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तमाम पार्ट्स हैं। इसमें यहाँ पे देखें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवरीज। कितनी ओवरीज होती हैं? दो ओवरीज। इसके अलावा ओविडक्ट, देन यूट्रस और फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये बच्चों चार पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब ये चार पार्ट कौन से हैं? सबसे पहले ये जो हिस्सा आप देख रहे हो इसको कहते हैं ओवरी। एक ओवरी ये है, एक ओवरी ये है। ये दोनों ओवरीज फीमेल के पेट के अंदर लेफ्ट और राइट साइड पे लोअर एब्डोमेन में होती है। इन ओवरीज के बाद आप देख रहे हो कि ओवरीज के अंदर ये मैंने कुछ बनाया है, दरअसल ओवरी गोनेड है, यानी एग पैदा करना ओवरी का काम है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन भी लिख देता हूँ कि असल में एग पैदा करना, एग को आप एक और नाम देते हैं ओवम भी। ओवम कहाँ पैदा किया जाता है? ओवरी में। ओवरी का सिर्फ इतना ही काम है, एग पैदा करना और कुछ हार्मोन बनाना। उसके बाद बच्चों एग आ जाता है इस ट्यूब के अंदर। जाहरी बात है फीमेल के पेट के अंदर दो ओवरीज हैं, दोनों ओवरीज में एग बनते हैं। लेकिन याद रखिए एक टाइम में सिर्फ एक ओवरी में एग बनता है, दोनों में एट अ टाइम नहीं बनते, एक में एग बनता है। क्योंकि फीमेल में एक टाइम में सिर्फ एक एग पैदा होता है, दो एग इंसानी फीमेल में पैदा नहीं होते। तो एग बनने के बाद इस ट्यूब में आ जाता है। सपोज इस वाली ओवरी ने एग पैदा किया, ये एग यहाँ पे आ गया बेटा, किस में? इस ट्यूब में। अब इस ट्यूब का क्या नेम है? इस ट्यूब का नेम है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। इसके कुछ और नेम भी है। इस ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब के अलावा आप यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। इसके अलावा इस ट्यूब को आप ओविडक्ट भी बोलते हैं। ये मैंने एक और नाम लिखा है, ये भी ओवरी है, ये भी ओवरी है। ओवरी के साथ ये ट्यूब जो जुड़ी हुई है, इट इज़ ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब। तो मैंने दो नेम लिखे हैं, फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट। दूसरा पार्ट ये हो गया, ओवरी हो गया, ओविडक्ट हो गया। तीसरा पार्ट जो कि बहुत बड़ा पार्ट है, ओवरी बहुत छोटी होती है। अगर आप बात करें फीमेल की ओवरी की, सिर्फ इतनी सी होती है फीमेल के अंदर ओवरी। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है साइज़ के अतबार से? ये वाला। इस पार्ट को आप कहते हैं यूट्रस। ये कौन सा पार्ट है? इस पूरे पार्ट का नेम है यूट्रस। अब यूट्रस का काम भी सुन ले। यूट्रस का काम ये होता है कि अगर फीमेल मैरिड है, एग की फर्टिलाइजेशन हो गई। एग की फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? जब एग ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, अगर स्पर्म आ जाए, अगर ओवरी के अंदर यहाँ पे यानी कि फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे स्पर्म आ जाए, तो एग और स्पर्म मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है।
फिर फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है जाइगोट बन जाता है। जाइगोट आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करता रहता है इस फेलोपियन ट्यूब में, फिर जाइगोट पहुंच जाता है यूट्रस में। और यूट्रस वो जगह है जहां पे वो जाइगोट यानी कि वो न्यू ऑर्गेनिज्म, आप उसको एम्ब्रियो बोलेंगे अब, क्योंकि जाइगोट जब डिवेलप करना शुरू कर दे वो एम्ब्रियो कहलाता है। एम्ब्रियो यहाँ आके कंसीव हो जाता है, एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर आके कंसीव होता है और यही वो जगह होती है जहां नया जानदार बनता है। तो यूट्रस फीमेल के पेट के सेंटर में होता है नीचे जाके, और ये क्या करता है, कंसीव करता है, यानी कि सारी प्रेगनेंसी जो है, सारा जो हमल का टाइम है वो यूट्रस में कंप्लीट करेगा एम्ब्रियो। अब यूट्रस का भी मैंने फंक्शन बता दिया कि इसके अंदर एम्ब्रियो ने कंसीव करना होता है और डेवलपमेंट कंप्लीट करनी होती है। यूट्रस को उर्दू में आप बच्चेदानी भी कह सकते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वो पार्ट जो बॉडी के आउटसाइड है, वो ये पार्ट है बॉडी के आउटसाइड। एक्सटर्नल जेनिटेलिया टिश्यूज़ की एक फोल्डिंग होती है अंदर की तरफ, उसको आप कहते हैं लिबिया मेजोरा एंड लिबिया माइनोरा। अब उसके अंदर दो ओपनिंग है, वो जो टिश्यू की फोल्डिंग है जिसका नेम है लिबिया मेजोरा लिबिया माइनोरा, ये बाहर वाली ये फोल्डिंग, अंदर दो होल्स हैं, एक होल का नेम है वजाइना और दूसरे का नेम है यूरीथ्रा। यानी कि फीमेल के अंदर यूरिन को एक्सक्रीट करने के लिए अलग ओपनिंग है जो कि किससे अटैच होगी, यूरिनरी ब्लैडर से। डेफिनेटली यूरीथ्रा है तो यूरिनरी ब्लैडर से अटैच होगा। और बर्थ के लिए एक अलग ओपनिंग होगी जिसका नेम है वजाइना, यानी कि ये जो वजाइना है, ये जो होल है, ये ओपन होता है यूट्रस में। यूट्रस देखे काफ़ी खुला सा है, काफ़ी वाइड सा है। यूट्रस जो है ये यहाँ से आके काफ़ी तंग हो जाता है, इस जगह को कहते हैं सर्विक्स। ये पॉइंट क्या है, सर्विक्स। तो सर्विक्स वो तंग सी नाली है, ये काफ़ी ट्यूब, बारीक सी ट्यूब है सर्विक्स, जो वजाइना को किससे अलग कर रही है, यूट्रस से। यूट्रस और वजाइना के दरमियान ये जो तंग नाली है इसको सर्विक्स कहते हैं। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। ये जो इतना पार्ट है, इस इतने पार्ट को आप कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल मीन आउटसाइड, जो बाहर से दिखता है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। नाउ मूव ऑन टू ओजेंसिस, एग कैसे पैदा होंगे। ओजेंसिस से मुराद है एग बनने का अमल। फीमेल में एग कैसे पैदा होता है, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताता जाऊँ। जब फीमेल एक पैदा होती है बाई बर्थ, उसकी बॉडी के अंदर जो ओवरीज हैं उनमें 10 मिलियन एग होते हैं, 10 लाख एग फीमेल की बॉडी में मौजूद होते हैं। ये वो सारा कोटा होता है जो उसने अपनी लाइफ में पूरा करना होता है। लेकिन और जब फीमेल प्यूबर्टी की एज तक पहुंचती है, उसमें सिर्फ 3 लाख से 4 लाख एग बाकी रहते हैं, यानी बाकी 7 to 8 लाख जो एग है वो डिजनरेट कर दिए जाते हैं उसके बालग होने से पहले पहले ही। अब सिर्फ फीमेल के अंदर प्यूबर्टी में कितने एग्स हैं, 3 लाख। तो सारी ज़िंदगी अब उसके बाकी वही एग मैच्योर होंगे, अभी वो इमैच्योर है। याद रखें फीमेल के अंदर अर्ली स्टेज में जो बाई बर्थ एग होते हैं वो इमैच्योर होते हैं। कब मैच्योर होने लगते हैं, प्यूबर्टी के बाद। लेकिन एक सवाल और, वो बात ये है कि फीमेल के अंदर हर महीने जब एक एग बनता है, 1000 एग इमैच्योर एग उनकी डेथ भी होती है। सो यू फीमेल अपनी पूरी जिंदगी के अंदर मुश्किल से 300 से 400 एग प्रोड्यूस कर पाती है। ये उसका पूरी लाइफ का कोटा होता है 300 से 400। इट मींस 45, 50 या 40 एज, इस एज के बाद फीमेल जो है वो स्टीरॉयल हो जाती है और वो मजीद जनरेशन पैदा करने के काबिल नहीं रहती। एनी हाउ ओजेंसिस यानी कि एग बनना। अब एग कैसे बनेगा, देखे फीमेल की बॉडी के अंदर जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होती है ना, अभी वो एम्ब्रियो ही है, उसी वक्त उसकी ओवरीज बन जाती हैं और ओवरीज के अंदर कुछ सेल्स भी बन जाते हैं। उन सेल्स को आप कहते हैं ओगोनियम। क्या कहते हैं, ओगोनियम। बाद के अंदर जब वो पैदा होती है उस वक्त वो ओगोनियम तब्दील हो जाते हैं ओसाइट में। बहुत सारे ओसाइट फीमेल में मौजूद है। देन क्या होता है, सुने, सबसे पहले ये एक 2N सेल है प्यूबर्टी के बाद फीमेल की बॉडी में। 2N सेल मियोसिस 1 करेगा, इससे दो सेल बने। एक सेल का नेम है प्राइमरी ओसाइट, दूसरा छोटा सा सेल है जिसका नेम है फर्स्ट पोलर बॉडी। ये क्या है, पोलर बॉडी। मियोसिस 2 हुई, मियोसिस 2 के बाद क्या बना, मियोसिस 2 के बाद दो सेल बने, एक ये एग सेल
और तीन छोटे छोटे सेल, यानी एक ये सेल तो पहले ही था, ठीक, इस छोटे सेल ने भी मियोसिस की, इसने भी दो सेल पैदा कर दिए, इस बड़े सेल ने अगेन मियोसिस की, एक बड़ा सेल पैदा किया, इस बड़े ने, ये दो सेल है ना आपके पास, बड़े ने मियोसिस की, एक बड़ा एक छोटा, छोटे ने दोनों स्मॉलर सेल पैदा किए। अब ये जो तीनों छोटे सेल है इनको आप कहते हैं पोलर बॉडीज, ये जो बड़ा सेल है इसको आप कहते हैं एग सेल। लेकिन यहाँ पे अगेन थोड़ा सा मसला है, वो मसला ये है कि फीमेल के अंदर जो मियोसिस टू होती है, यानी कि इस सेल की प्राइमरी ओसाइट का मियोसिस टू करना, ये मियोसिस टू में जब जाता है प्रोफेज में जाकर रुक जाता है, प्रोफेज से आगे नहीं जाता, अगर फर्टिलाइजेशन हो तभी आगे जाएगा, अदरवाइज ये प्रोफेज में ही रुका रहेगा, यानी फीमेल का एग बनने के बाद प्रोफेज में पॉज हो जाता है। अगर स्पर्म आ जाए फिर वो मियोसिस पूरी कर लेता है और मैच्योर एग बन जाता है, अदरवाइज वो वेस्ट हो जाता है। तो ओजेंसिस एग बनना, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन क्या है, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि फीमेल की ओवरीज के अंदर जो एग होते हैं ना, जो इमैच्योर एग है जिनको मैं ओसाइट कह रहा हूँ, वो ओसाइट दरअसल एक फ्लूइड फील्ड स्पेस में होता है। कहाँ होता है? एक फ्लूइड फील्ड स्पेस के अंदर है, उस फ्लूइड फील्ड स्पेस को आप कहते हैं फॉलिकल। क्या कहते हैं? फॉलिकल। फॉलिकल के अंदर ये है ओसाइट और बाकी सारा सीन वही है जो मैंने आपको बता दिया। ओसाइट मियोसिस वन करता है, फिर मियोसिस टू करता है, यूं एग बनता है और थ्री पोलर बॉडीज बन जाती है। एग का रिलीज होना, जब एग बन जाए फॉलिकल में से एग रिलीज हो जाता है, इस प्रोसेस को आप कहते हैं ओव्यूलेशन। व्हाट इज ओव्यूलेशन? रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी, ओवरी में से एग का रिलीज होना, यानी फॉलिकल, ओवरी के अंदर फॉलिकल है, फॉलिकल के अंदर एग है, फॉलिकल में से एग का रिलीज होना, इसमें आना फेलोपियन ट्यूब में, इस प्रोसेस का नेम है ओव्यूलेशन, यानी मंथ में एक बार ओव्यूलेशन होती है आफ्टर प्यूबर्टी। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट सुने, ओव्यूलेशन के बाद एग पहुंच जाता है इस ट्यूब में, यानी फेलोपियन ट्यूब में, यहाँ से वजाइना के जरिए स्पर्म एंटर किए जाते हैं फीमेल की बॉडी में, वो स्पर्म यहाँ से ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करके सर्विक्स में से गुजर के फेलोपियन ट्यूब तक पहुँच जाते हैं। तकरीबन फेलोपियन ट्यूब के यहाँ पे, यानी फेलोपियन ट्यूब का जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट को आप कहते हैं प्रोक्सिमल पार्ट, प्रोक्सिमल पार्ट में फर्टिलाइजेशन कर दी जाती है और इससे क्या बन जाता है, इससे बन जाता है जाइगोट, फिर जाइगोट यहीं पर डिवाइड होना भी शुरू हो जाता है, फाइनली वो जाइगोट फिर यहाँ पर पहुँचता है यूट्रस में और यूट्रस के अंदर आके कंसीव हो जाता है। कंसीव होने से क्या मुराद है, यूट्रस की वॉल के अंदर यहाँ तक पहुँच जाता है, वॉल के अंदर घुस जाता है वो जाइगोट और अंदर ही फिर उसकी डेवलपमेंट होती है। इसी दौरान उस एम्ब्रियो में और ये फीमेल का जो यूट्रस है इसमें एक कनेक्शन बन जाता है, उस कनेक्शन का नेम होता है प्लेसेंटा। उस कनेक्शन का क्या नेम होता है? प्लेसेंटा। तो ये प्रोसेस है इम्प्लांटेशन एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन। प्लेसेंटा एक ऐसा कनेक्शन है जो बच्चे की नाप, यानी एम्ब्रियो की नाप में और मदर की यूट्रस की वॉल में है, उसके ज़रिए बच्चे को न्यूट्रिएंट वगैरह मिलते हैं, उसके ज़रिए बच्चे को फूड वगैरह मिलती है और वो एम्ब्रियो जिंदा रहता है, फिर बाद में उसकी बर्थ होती है। ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे है। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ गए हैं, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल या फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल में आफ्टर 28 डेज वन एग प्रोड्यूस किया जाता है और पीरियडिकली साइक्लिक वे में पैदा किया जाता है। कुछ फीमेल में ये टाइम ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ में कम भी हो सकता है, यानी कुछ में जल्दी भी पैदा हो जाता है, कुछ में ज़्यादा लेट भी हो जाता है, लेकिन ये एवरेज टाइम बता रहा हूँ 28 डेज। ये एग कैसे पैदा होता है इसके लिए कुछ फेजेज हैं। एक्चुअली फीमेल के दो जगह पर चेंजेज आ रही होती है जब उसके पीरियड्स चल रहे होते हैं, एक ओवरी के अंदर, दूसरा यूट्रस के अंदर। ओवरी के अंदर जो चेंज आ रही होती है उसको आप कहते हैं ओवेरियन साइकिल। उसको क्या कहते हैं? ओवेरियन साइकिल। ये इस वक्त जो आपके सामने ये है ओवेरियन साइकिल। और यूट्रस के अंदर जो चेंजेस आ रही होती है उसको आप कहते हैं यूट्राइन साइकिल या यूट्रस साइकिल। दो साइकिल एट अ टाइम काम कर रहे होते हैं, ओवेरियन साइकिल, यूट्राइन साइकिल। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्रोडक्शन ऑफ एग पीरियडिकली इन फीमेल आफ्टर 28 डेज विच इन्वॉल्व चेंजेस इन होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग ओवरी एंड यूट्रस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल।
एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल जो इसमें आपके पास ये मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, ये 5 पॉइंट आपको याद रहे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल याद करना आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो 5 पॉइंट शुरू करते हैं। सबसे पहले फीमेल में ये साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है? आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यानी बालिग होने के बाद फीमेल के अंदर जो उनके ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको याद होगा पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लूब्स होते हैं, एक एंटीरियर लूब एक पोस्टीरियर लूब। तो जो एंटीरियर लूब है वो एक हार्मोन खारिज करते हैं, उस हार्मोन को कहते हैं FSH। क्या कहते हैं? FSH। अच्छा, फीमेल के अंदर ना जो उनका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो जो भी हार्मोन पैदा करे रिप्रोडक्टिव साइकिल के अबाउट, उस हार्मोन को आप गोनेडोट्रोफिन कहते हैं। गोनेडोट्रोफिन ही आपकी बुक में वर्ड लिखा हुआ है, गोनेडोट्रोफिन। 2 हार्मोन गोनेडोट्रोफिन है, एक का नाम मैंने बता दिया FSH, दूसरे का मैं थोड़ा सा आगे चल के जिक्र करता हूँ। प्यूबर्टी के बाद जैसे ही प्यूबर्टी आई फीमेल में हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो गया FSH। अब ये हार्मोन क्या करेगा, यहाँ पे आप ओवरी में देखें, ये ओवरी में बेटा सारे फॉलिकल्स हैं, ये काफ़ी सारे, वैसे तो एक फीमेल की एक ओवरी में लाखों की तादाद में फॉलिकल है, लेकिन ये मैंने सिर्फ 3-4 फॉलिकल बनाए हैं। ये क्या है? फॉलिकल। हर फॉलिकल में एक एक प्राइमरी ओसाइट है, प्राइमरी ओसाइट मौजूद है। FSH आया, वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड ने सिक्रीट किया, ब्लड के जरिए ओवरी तक पहुंच गया। अब ओवरी के अंदर नाम से जाहिर है FSH यानी फॉलिकल, मतलब क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी फॉलिकल को ग्रो करवाएगा। तो प्यूबर्टी के बाद फीमेल में फॉलिकल ग्रो करना शुरू हो गए, एक फॉलिकल नहीं काफ़ी सारे, सैकड़ों की तादाद में फॉलिकल डेवलप होने लग गए। लेकिन एक टाइम में तो एक एग पैदा करना है, अगर वो सैकड़ों हज़ारों फॉलिकल ही डेवलप होते रहे फीमेल में एक टाइम में तो हज़ारों एग बन जाएंगे। फिर क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद काफ़ी सारे फॉलिकल ग्रो करना शुरू करते हैं, जो फॉलिकल सबसे बड़ा हो जाता है वो ग्रो करना जारी रहता है, बाकी सारे फॉलिकल को मार दिया जाता है, बाकी सारे फॉलिकल तोड़ दिए जाते हैं। इस चीज़ का नेम होता है फॉलिकल अट्रिसिया, ठीक है। तो ये पहली फेज़ ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसकी पहली फेज FSH की फेज, इसमें फॉलिकल ग्रो करता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो फॉलिकल ग्रो करता है एक, और बाकी फॉलिकल को तोड़ दिया जाता है, जिस प्रोसेस को आप कहते हैं फॉलिकल एट्रिसिया। ये शॉर्ट के तौर पे बड़ा है, मैं फॉलिकल एट्रिसिया कई दफ़ा पेपर में आया हुआ है, फॉलिकल्स का ब्रेकडाउन होना, ब्रेकडाउन ऑफ अ प्रोसेस बाई अ प्रोसेस इज नोन एज फॉलिकल एट्रिसिया। अब सेकेंड फेज एस्ट्रोजन फेज, जैसे ही FSH आया, FSH आके ओवरी पे असरअंदाज हुआ, अब ओवरी की वॉल से खुद भी एक हार्मोन निकलने लगता है, उस हार्मोन का क्या नेम होता है? उस हार्मोन का नेम होता है एस्ट्रोजन। यानी कि ये जो बच्चों ओवरी की दीवार है, इस वॉल में से हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। अब वो एस्ट्रोजन भी रिलीज हो रहा है, पहले तो आप ये देखें ये फॉलिकल है FSH के जेरे असर, ये बाकी फॉलिकल डीजनरेट हो गए, एक फॉलिकल ग्रो करने लग गया, एक फॉलिकल, यानी कि ये जो हार्मोन है FSH, ये एक और हार्मोन को ओवरी से पैदा करवा देता है, उसका नेम है एस्ट्रोजन। अब दूसरी फेज आ गई, सेकंड स्टेप आ गया, दैट इज एस्ट्रोजन फेज। ये एस्ट्रोजन क्या करता है जरा गौर से समझना है, एस्ट्रोजन यूट्रस को वेस्कुलराइज करने लगता है, यूट्रस की वॉल को अंदर से ग्रो करवाने लग जाता है। कौन सी यूट्रस? ये यूट्रस, यूट्रस की अंदरूनी वॉल को क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। यूट्रस की जो अंदर वाली वॉल है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये वॉल ग्रो करने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है, क्यों? इसलिए क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, उस एग ने, उस जाइगोट ने यूट्रस के अंदर आना है, यूट्रस की वॉल के अंदर उसने पेनिट्रेट करना है जाइगोट ने, इसलिए पहले ही अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि यूट्रस की वॉल पहले ही ग्रो करने लग जाती है, कि अगर एम्ब्रियो आ जाए उसको पहले ही तैयार रखे। यानी कि जैसे अगर कोई मेहमान आना हो, हम पहले ही चार पहिया वगैरह सीधी करके रखते हैं, उसके बैठने के लिए जगह बना के रखते हैं। तो यही सिस्टम अल्लाह ताला ने फीमेल के अंदर पैदा किया है, कि अगर फर्टिलाइजेशन हो सकती हो तो पहले ही कुदरत जो है वो यूट्रस को प्रिपेयर करने लग जाती है। कौन प्रिपेयर करता है? एस्ट्रोजन। सेकेंड फेज एस्ट्रोजन फेज। थर्ड नंबर पर लूटिनाइजिंग हार्मोन। ये लूटिनाइजिंग क्या है?
ज़रा गौर से सुने, जब एस्ट्रोजन पैदा होता है, एक तो ये एस्ट्रोजन दो काम करता है, एक काम नहीं करता, एस्ट्रोजन दो काम करता है। पहला काम मैंने बता दिया, ग्रो यूट्रस, यूट्रस को ग्रो करता है। दूसरा काम ये करता है इनहिबिट, इनहिबिट FSH, ये FSH को भी रोक देता है, FSH के पैदा होने को कम कर देता है, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। FSH ने तो सिर्फ फॉलिकल को बड़ा करवाना है, फॉलिकल तो बड़ा हो चुका है, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये FSH बंद हो गया, अब सिर्फ एस्ट्रोजन मौजूद है। अब जब एस्ट्रोजन बढ़ने लग जाता है और FSH कम होने लगता है, इसकी वजह से एक और हार्मोन निकलता है। यानी कि वो हार्मोन को निकालने के लिए, उसको सिक्रीट करवाने के लिए ज़रूरी है कि एस्ट्रोजन ज़्यादा हो और FSH कम हो। यही उसके लिए स्टिमुलस है, यही उसके लिए चार्जिंग है, यही उसके लिए रिक्वायरमेंट है। अब वो हार्मोन कौन सा होता है? उसका नाम होता है LH। क्या मतलब? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन ओव्यूलेशन करवाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज फॉर ओव्यूलेशन। ये बच्चों आप देख रहे हो, इस वक्त फॉलिकल मुकम्मल तौर पे ग्रो कर चुका है, इसके अंदर ये ओसाइट मौजूद है, ये इसकी कुछ बाहर मेम्ब्रेन है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी से ही आया है, वो उस फॉलिकल के अंदर से एग को रिलीज करवा देता है। मैं बता चुका हूँ, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ये है फॉलिकल, इस टाइम ये ग्रीन रंग का जो आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये फॉलिकल है। इसके अंदर ये था बेटा एग, यानी ओसाइट। इसके अंदर से एग आपको यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे एरो लगा देता हूँ कि ये है एग का रिलीज होना, और इस प्रोसेस का नेम क्या है? इस प्रोसेस का सिंपली नेम है ओव्यूलेशन। दिस इज ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन कौन करवाता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी से आया है। ये फिलहाल मैं सिर्फ आपको ओवरी के चेंजेस बता रहा हूँ। यूट्रस की वॉल इस टाइम ग्रो कर रही है, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। अब नेक्स्ट फेज आएगी प्रोजेस्टेरोन की फेज। प्रोजेस्टेरोन क्या है ज़रा समझिए। ओवरी के अंदर ही ये फॉलिकल, ओवरी के अंदर ही रहता है, ये जो फॉलिकल की बाकी रह जाने वाला हिस्सा, ये अंदर ही है। एग रिलीज हो गया, इस टाइम एग के बाहर एक दो मेम्ब्रेन है, एक जो उसके सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसका नाम है कोरोना रेडिएटा, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। फिर ये मेम्ब्रेन है, इसका नाम है जोना पैलिसुडा। इस वक्त ये सेकेंडरी ओसाइट है, यानी कि ये इमेच्योर एग है, अभी ये प्रोफेज में रुका हुआ है। अगर स्पर्म इसके साथ आके मिल गया, ये मियोसिस टू कंप्लीट करेगा, अदरवाइज ये मियोसिस टू नहीं करेगा बल्कि डिस्चार्ज हो जाएगा। अब क्या होगा? अब ये जो फॉलिकल है ये इधर आ गया, ये एक्चुअली ओवरी की जो चेंजेस है ये इस साइड में जा रही है। ये एरो में लगा देता हूँ कि ये सारी चेंजेस मैंने इस डायरेक्शन में ड्रॉ की है। फॉलिकल का जो बाकी रह जाने वाला हिस्सा, वो और ज़्यादा ग्रो करने लग गया, बड़ा होने लग गया। अब वो क्या बन गया? ये एक स्ट्रक्चर उससे बन गया, इस स्ट्रक्चर का नेम होता है कॉर्पस लूटियम। ये मैंने लिखा हुआ है कॉर्पस लूटियम, इट इज़ कॉल्ड कॉर्पस लूटियम। यानी कि फॉलिकल आफ्टर द रिलीज ऑफ एग मॉडिफाइड इनटू अ येलो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉर्पस लूटियम। सो कॉर्पस लूटियम अब एक हार्मोन खारिज करता है, उसका नेम है प्रोजेस्टेरोन। तो ये वाला कॉर्पस लूटियम भी एक हार्मोन खारिज करने लग जाता है, जिसका नेम होता है प्रोजेस्टेरोन। ये फोर्थ फेज है, ये फोर्थ हार्मोन है। अभी तक आपने हार्मोन ही पढ़े कि FSH फॉलिकल को ग्रो करवाता है, उसके बाद एस्ट्रोजन यूट्रस को ग्रो करवाता है, उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग ओव्यूलेशन करवाता है, और उसके बाद अब प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन जो है ये यूट्रस की वॉल को मजीद ग्रो करवाता है, यूट्रस की वॉल को मजीद डिवेल्प करवाता है। अब ये आ जाए ये यूट्रस के ऊपर, जो यूट्रस में चेंजेस आ रही है, अब मैं आपको वो चेंजेस बताता हूँ। देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये है फॉलिकल, फॉलिकल डिवेल्प हो रहा है, फॉलिकल आहिस्ता आहिस्ता डिवेल्प हो रहा है। तो उसके साथ ही देखें, पहले यूट्रस की वॉल यहाँ पे छोटी है, यूट्रस की वॉल भी डिवेल्प हो रही है। क्यों डिवेल्प हुई? जब फॉलिकल डिवेल्प होना शुरू हुआ, FSH निकला, उसके साथ ये हार्मोन एस्ट्रोजन निकलने लग गया, तो यूट्रस की वॉल भी आहिस्ता आहिस्ता डिवेल्प होने लग गई। यहाँ पे आके ओव्यूलेशन हो गई, ओव्यूलेशन किसने करवाई? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने ओव्यूलेशन करवा दी। अब ओव्यूलेशन हुई,
उसके बाद ये क्या बन गया, कॉर्पस लूटियम। ये है अगेन, ये नीचे आप यूट्रस की वॉल देख रहे हो, ये सारा क्या है, यूट्रस की वॉल की अंदर वाली वॉल है जिसको आप एंडोमेट्रियम कहते हैं। उस एंडोमेट्रियम के अंदर ये उसके अंदर जो मैस है, जो उसके अंदर गोश्त है, ये वो है सारा। तो आहिस्ता आहिस्ता देखिए, यूट्रस की वॉल यहाँ पे छोटी है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने लग गई, ऊपर की तरफ बढ़ने लग गई, यहाँ पे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यहाँ तक बढ़ती जाएगी जब तक कॉर्पस लूटियम है, ठीक है। तो ये कॉर्पस लूटियम खारिज करता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन ग्रो यूट्रस वॉल, ये भी यूट्रस की वॉल को ग्रो करवाता है। अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाए, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, जाइगोट यूट्रस के अंदर आ जाए, एम्ब्रियो आ जाए, यहाँ पे हमल ठहर जाए, उसके बाद ये प्रोजेस्टेरोन खारिज होता ही रहता है, ये सारी जब तक बच्चे की बर्थ नहीं होगी तब तक प्रोजेस्टेरोन निकलता ही रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। पहले प्रोजेस्टेरोन ये खारिज करता है कॉर्पस लूटियम, उसके बाद कौन खारिज करता है, उसके बाद प्लेसेंटा। एक बार एम्ब्रियो यूट्रस में आ गया, प्लेसेंटा में से खुद एक हार्मोन निकलने लग जाता है, उस हार्मोन को भी प्रोजेस्टेरोन ही कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के लिए, अगर प्रोजेस्टेरोन खारिज ना हो प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है, और प्रेगनेंसी ज़ाया होने के प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को आप कहते होते हैं अबॉर्शन। अबॉर्शन हो सकता है प्रोजेस्टेरोन की मौजूदगी में, इस हार्मोन को इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज़ प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। ये बहुत ज़रूरी है, ये प्रिपेयर कर रहा है एक तरफ तो यूट्रस को, और दूसरी तरफ अगर हो जाए प्रेगनेंसी तो ये और उसको मेंटेन करता है। एनी हाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर प्रेगनेंसी ना हो, जाहरी बात है एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद फिर अगले मंथ अगला साइकिल स्टार्ट होगा, फिर क्या होगा, फिर ये कॉर्पस लूटियम आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो गया, ये बिल्कुल टूट गया। कॉर्पस लूटियम जो कि प्रोजेस्टेरोन खारिज कर रहा था, इसका प्रोजेस्टेरोन खारिज करना आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, और ये बिल्कुल डीजेनरेट होकर ख़त्म हो जाएगा। तो इसका जो इफेक्ट था, इसका क्या इफेक्ट था, यूट्रस की वॉल को इसने काफ़ी ज़्यादा डेवलप करवा दिया था प्लेसेंटा बनाने के लिए, अब वो वॉल दोबारा से टूटनी टूट जाएगी क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। इस प्रोसेस को आप कहते हैं डीजनरेशन या मेंस्ट्रुएशन। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मेंस्ट्रुएशन क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं ब्लीडिंग को। फीमेल के अंदर जो पीरियडिकली जो मंथली ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग क्यों होती है, अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो यूट्रस की वॉल ग्रो करी थी, किस लिए ग्रो की थी, किया था इसने ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस के वॉल में यहाँ पे आके कंसीव हो जाए, लेकिन फर्टिलाइजेशन क्योंकि हुई नहीं है, फीमेल अभी अनमैरिड है, तो वो यूट्रस की वॉल जो ग्रो की थी उसने दोबारा टूटना है। तो जब ये टूटेगी ब्लीडिंग भी होगी, और उस ब्लीडिंग के साथ साथ ये सारे जो मरे हुए सेल हैं, ये सारे जो डेड सेल हैं जिनको सेल डेब्रिज कहते हैं, ये भी वेजाइना के थ्रू रिलीज होंगे, मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। मेंस्ट्रुएशन 3 डेज से लेके 7 डेज तक जारी रहती है। अभी मेंस्ट्रुएशन भी हो गई, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। पहला साइकिल कंप्लीट हुआ, जैसे मैंने बताया FSH आएगा, फॉलिकल को डेवलप करवाएगा, एस्ट्रोजन आएगा, यूट्रस की वॉल को डेवलप करवाना स्टार्ट होगा करवाएगा, लूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा, ओव्यूलेशन करवा देगा, ओव्यूलेशन के बाद वो जो फॉलिकल है वो बन जाएगा कॉर्पस लूटियम, वो यूट्रस की वॉल को मजीद ग्रो करवाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन होगी, इसके बाद 2 केसेज है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो तब यूट्रस की वॉल ग्रो करती रहती है और वो एम्ब्रियो वहाँ पे कंसीव कर जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, फिर प्रोजेस्टेरोन बंद हो जाता है, यूट्रस की वॉल टूटना शुरू हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। लास्ट बात ये है कि फीमेल के अंदर एक स्पेसिफिक एज के बाद, क्योंकि मैंने बता दिया स्टार्ट में ही कि फीमेल के अंदर लिमिटेड एग होते हैं, जब वो एग ख़त्म हो जाए फिर मजीद एग नहीं बनेंगे, आफ्टर 45 एज, ये एक मैं स्पेसिफिक एज बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी। अगर फीमेल की शादी जल्दी हो जाए तो फिर ज़्यादा देर तक उसके अंदर एग प्रोड्यूस होते रहते हैं, क्योंकि जितनी देर तक प्रेगनेंसी मेंटेन रहे एग लॉस्ट नहीं होते, इसलिए अगर शादी जल्दी हो जाए फीमेल की तो एग का जो कोटा है वो लंबे अरसे तक चल सकता है, अदरवाइज ये जल्दी ख़त्म हो जाती है। अगर कोई लंबे अरसे तक किसी की शादी ना हो तो 40 की एज में, इवन 35 में भी ये एग ख़त्म हो सकते हैं, उसके बाद उसमें माँ बनने की सलाहियत नहीं रहेगी। एक बात और, जब एग बनना स्टॉप हो जाए उस चीज़ को आप कहते हैं मेनोपॉज। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी डेफिनेशन है, लास्ट पे आपकी बुक पे लास्ट पे लिखी होगी मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या है,
स्टॉप, कंप्लीट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाए, ये सारी चेंजेस रुक जाए, उस चीज़ को आप कहते हैं मेनोपॉज। अब लास्ट पे आप ये यूट्रस की देखें, ये मैंने नीचे डे लिखे हैं, डे 1, 3, 5, 7 यानी कि 28 तक। ये ओवेरियन साइकिल है ये वाला, ये यूट्राइन साइकिल है। ओवेरियन साइकिल के मुताबिक यूट्रस को प्रिपेयर किया जाता है। अभी फॉलिकल छूटता है, फॉलिकल ग्रो करना शुरू किया तो साथ ही ये यूट्रस की वॉल भी ग्रो करना शुरू हो गई, ओव्यूलेशन हो गई, कॉर्पस लूटियम बन गया, इसने और ज़्यादा ग्रो कराया। अब कॉर्पस लूटियम ब्रेकडाउन होना शुरू हुआ तो यूट्रस की वॉल भी ब्रेकडाउन होना शुरू हो गई, यानी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई। साइड पे देखिए, अपनी बुक पे एक टेबल सा बना होगा, उसमें एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल क्या होता है? एक साइकिल लिखा हुआ है, उस साइकिल का नेम है एस्ट्रस साइकिल। ये साइकिल तमाम फीमेल में होता है, तमाम मैमल्स में, सिवाय ह्यूमन फीमेल के। कौन सा साइकिल? एस्ट्रस साइकिल, अदर देन ह्यूमन फीमेल, बाकी तमाम फीमेल में, यानी काओ में होता है, यानी गॉट में होता है, जितनी भी फीमेल है नॉन ह्यूमन। इस साइकिल में क्या होता है? इस साइकिल में ये होता है कि एस्ट्रोजन यूट्रस को प्रिपेयर नहीं करता। एस्ट्रोजन का एक काम तो होता है यूट्रस की वॉल को ग्रो करना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन बाकी इंसानों के अलावा बाकी मैमल्स में एस्ट्रोजन यूट्रस की वॉल को प्रिपेयर नहीं करता, और ओव्यूलेशन भी नहीं होती। ओव्यूलेशन होने का क्या मतलब है? कि एग जो है वो रुका रहता है अंदर ही, ओवरी के अंदर ही, ना यूट्रस की वॉल ग्रो करती है, बहुत थोड़ा सा ग्रो करती है, मामूली सा, ज़्यादा नहीं। ऐसे टाइम में उस फीमेल को जिसके अंदर एग बन रहा है, उसको ओव्यूलेशन के लिए ज़रूरत होती है किसी मेल की, मेल के साथ मेट करने की। जब फीमेल मेल से मेट करेगी, उसके बाद उसमें से एग रिलीज होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगी। अदरवाइज उसका एग जो है वो ओवरी के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा, एग लॉस्ट अंदर ही हो जाएगा अगर उसने फर्टिलाइजेशन ना की। ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि वो फीमेल शी इज़ ऑन हीट। सिर्फ नॉन ह्यूमन में होता है, नॉन ह्यूमन फीमेल में, लाइक कॉ वगैरह में, कि जब उसमें एग बन जाता है एक पीरियड के बाद, तो उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ायर पैदा हो जाती है उस फीमेल के अंदर, और वो फिर किसी मेल के साथ मिलाप करना चाहती है, तभी उसका एग रिलीज होगा। इस साइकिल को आप कहते हैं एस्ट्रस साइकिल। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये कई दफ़ा पेपर में आया हुआ है, इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिए। लेक्चर कंप्लीट हुआ, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।